अगर आपका हाइड्रोसील यानी अंडकोश बढ़ गया है तो आप घबराइए नहीं, ये उपाय करके पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। दोस्तों नमस्ते, मैं अजीत यादव। आज हम जानेंगे अंडकोश यानी हाइड्रोसील के बारे में कि हाइड्रोसील क्या है, कैसे होता है और इसके होने वाले लक्षण क्या हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस लाल वाले बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर ले और इस घंटी को भी ज़रूर दबा दे, जिससे हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों, हाइड्रोसील केवल पुरुषों का रोग है जिसमें इनके एक या दोनों अंडकोश में पानी भर जाता है, जिसके कारण उठने बैठने चलने फिरने अंडकोश में चोट लगने के कारण नसों में सूजन आने के कारण अनुवांशिक कारणों से ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाने से भारी वजन उठाने से शरीर में दूषित मल इकट्ठा होने से कब्ज और गलत खानपान भी इस रोग का कारण बन सकता है। अक्सर लंबे समय तक पेशाब रोककर रखने से भी हाइड्रोसील का शिकार हो सकता है। ये स्थिति पुरुषों के लिए बहुत पीड़ादायी होती है। अंडकोश में ज़्यादा पानी भर जाने के कारण वहाँ पर अधिक पीड़ा व सूजन होने लगती है। ऐसी स्थिति में रोगी डॉक्टर हकीमों का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका ढेर सारा पैसा खर्च होने के बाद भी सही नहीं हो पाता है। लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, इसका एक उपाय है हमारे पास, जिसको करके आप अंडकोश का पानी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे अंडकोश के पानी को घरेलू नुस्खों द्वारा आप निकाल सकते हैं। इसका पानी निकालने के लिए आपको माजुक फल और फिटकरी को पीसकर इसका लेप तैयार करना होगा और फिर इसमें अपने सूजे हुए अंडकोश पर सुबह और शाम को लगाना होगा। इसके लगाने के बाद अंडकोश से धीरे धीरे पानी समाप्त शुरू हो जाएगा और 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको घर में मिलने वाली इन सामग्रियों से आप ठीक हो सकते हैं। काली मिर्च और जीरा अच्छी तरह से पीसकर थोड़ा सा सरसों या जैतून को तेल में मिलाकर इसे गर्म कर लें, फिर इसे बड़े हुए आकार पर लगाएं। इस उपाय को सुबह शाम 5-7 दिन तक लगाने से ठीक हो जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों ये तो था अंडकोश को ठीक करने के 2 घरेलू उपाय। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।